दिनचर्या में जो बहुत बड़ा कारण है वह है हमारे बैठने का गलत पोज। हम ऐसे बैठते दिन भर, इसे कमर में दर्द, ऐसे बैठते हैं, इसे गर्दन में दर्द। अर्थराइटिस के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए, रूमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए, हड्डी के रोगों के लिए हमारे यहाँ पर सदियों से आयुर्वेद का प्रयोग चला है। शुद्ध रूप से एक आयुर्वेद की बात कर रहा हूँ तो आयुर्वेद में हल्दी, लहसुन, गुग्गल, शिलाजीत, प्रवाल, मोती माने इस तरह के प्रयोग हैं जो आपके हड्डियों को स्ट्रेंथ देते हैं, बोन मिनरल डेंसिटी को बढ़ाते हैं। तो बोन मिनरल डेंसिटी यदि आपकी वीक होगी तो हड्डियों के प्रॉब्लम होंगी। तो एक खास बात, जो आप केमिकल वाला जो स्टीरॉयड लेते हैं वो आपकी हड्डियों को गलाता है, खोखला कर देता है, वो ऑस्टियोपोरोसिस करता है। लेकिन यदि आप हल्दी वाला स्टीरॉयड यूज करते हैं, अर्थात हल्दी में, लहसुन में, गुगुल में, शिलाजीत में नेचुरल स्टीरॉयड होता है और वो आपको अर्थराइटिस को मिटाता है और दूसरा अर्थराइटिस पैदा भी नहीं होने देता है। तो 1 से 2 ग्राम इसलिए हल्दी दूध में लें, 1 से 2 बूंद शिलाजीत दूध में लें, 1 से 2 गोली कोई भी गुग्गल की, त्रयोदशांग गुग्गल, सिंहनाद गुग्गल, योगराज गुग्गल, वैद्य की सलाह से वो लिया जाता है कि आपको कौन से गुग्गल की जरूरत नहीं पड़े। तो ये सारे तरह के गुग्गल ये खास करके अर्थराइटिस के लिए, बोन मिनरल डेंसिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और इसी के साथ साथ जो हमारे मसल्स हैं उनको भी स्ट्रेंथ देने के लिए जो हड्डियों को पकड़े रखते हैं, और हमारी बॉडी की जो टॉक्सिसिटी है उसको कम करने के लिए, ASR को, यूरिक एसिड को, इनको नॉर्मलाइज करने के लिए, और जो हमारे मसल्स को और हड्डियों के जॉइंट्स को फ्लेक्सिबल बना करके, हमारे जो कार्टिलेज हैं और लेगामेंट्स हैं उन सबको स्ट्रेंथ दे करके उनके अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए, और उसके लिए भी गुग्गल बड़े उपयोगी होते हैं। तो गुग्गल का प्रयोग वो आपके वैद्य की सलाह से लेना होगा कि आपको कौन सा गुग्गल, थोड़ा थोड़ा वह जो है बीमारी के भेद से बदल जाएगा। तो गुग्गल का प्रयोग आयुर्वेद में सदियों से होता है और वह अर्थराइटिस के लिए बहुत प्रभावी है। गुग्गल के प्रयोग के साथ साथ मैंने कहा आपकी रोग की अवस्था को देख करके एकांग वीर रस या महावात विधन सन रस, उसमें बृहतवात, चिंतामणि, प्रवाल पृष्टि, मोती पृष्टि या मुक्ता शुक्ति, यह जो प्रयोग है यह आयुर्वेद में बहुत ही प्रभावी माना जाता है। और यूँ फिर दशमूल, क्वाथ आदि इस तरह की औषधीय द्रव्य हैं जो आपके शरीर की टॉक्सिसिटी को कम करने में आपकी मदद करते हैं। और प्रवाल पृष्टि, मोती पृष्टि, आपके शरीर में जो कैल्शियम की कमी थी और उसमें मुक्ता शक्ति भी मिला दिया जाता तो फास्फोरस की जो कमी थी, तो फास्फोरस की जो कमी है, कैल्शियम की जो कमी है उसको पूरा करने के लिए आयुर्वेद आपकी मदद करता है और आपके पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम को अच्छा करके आपके शरीर में जो पोषक तत्वों की जहाँ जहाँ कमी थी उनको पूरी तरह से पहुँचाने में आपकी मदद करेगा। तो ये आयुर्वेद के उपचार के साथ साथ में योग बहुत प्रभावी है अर्थराइटिस में, क्योंकि हमने योग के प्रयोग से लोगों का रेमिटेड अर्थराइटिस अच्छा किया। यूरिक एसिड तो बहुत जल्दी कम होने लग जाता है, ESR बहुत जल्दी नॉर्मल आ जाता है, और जो हमारे लेगामेंट्स टेढ़े हो गए थे, जो हमारे कार्टिलेज घिस गए थे, या जो है जो हमारी हड्डियां वीक हो गई थी और उनकी अनडिसिप्लिन ग्रोथ होने लग गई थी, उस सब के लिए योग कैसे कर सकता है मदद आपकी, ये बताएंगे। आपको लाक्षादी गुग्गल देना होगा हड्डियां टूटने पर। तो ये सारे तरह के गुग्गल ये खास करके अर्थराइटिस के लिए, बोन मिनरल डेंसिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अर्थराइटिस और एक्सरसाइज, इसको मैं नहीं, अब तो मॉडर्न मेडिकल साइंस ने भी अपनी सभी पुस्तकों में, यहां तक कि WHO ने भी कहा रेस्ट एंड एक्टिविटी का बैलेंस। कौन सी ऐसी एक्सरसाइज साइंटिफिक हो सकती है जो आपके यूरिक एसिड को और तमाम जो टॉक्सिसिटी उसको बैलेंस करने में आपकी मदद कर सकती है, एक साथ आपके पूरे सिस्टम को अच्छा कर सकती है, तो वो हम कहेंगे प्राणायाम। ठीक है, थोड़े से सूक्ष्म व्यायाम जो जोड़ों के दर्द के लिए हम अक्सर बताते हैं, चाहे वो हाथों के लिए हो, पैरों के लिए हो, घुटनों के लिए हो या स्पाइन के लिए हो, वो थोड़े से सूक्ष्म व्यायाम या भुजंगासन, मकरासन, सलभासन, मरकटासन आदि हल्के से आसन, और ये सब फिजिकल एक्टिविटीज थोड़ी मदद करेंगी आपकी। लेकिन जो प्राणायाम है, ये प्राणायाम पूरे इंटरनल सिस्टम को अच्छा करता है। हमारे शरीर की एक एक कोशिका, चाहे वो रक्त की कोशिकाएं हो, चाहे वो हड्डी की कोशिकाएं हो, हमारे शरीर की तमाम कोशिकाएं, उनका जो पूरा एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, जो मेटाबॉलिज्म है पूरी बॉडी का, वो पूरा सिस्टम, मैं जब सिस्टम शब्द का प्रयोग करता हूं तो सिस्टम में आ गया पूरा 7 सिस्टम, और 7 सिस्टम 7 ब्रीदिंग एक्सरसाइज से अच्छा होगा, चाहे वो सर्कुलेटरी सिस्टम हो,
चाहे वो नर्वस सिस्टम हो, चाहे वो एंडोक्राइन सिस्टम हो, चाहे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम हो, या वो एक्सक्रेटरी सिस्टम हो, या वो रिप्रोडक्टरी सिस्टम हो, यदि सिस्टम आपका अच्छा होगा तो आपके शरीर में हड्डियों का रोग ही नहीं और भी कोई रोग नहीं होगा। अब हड्डियों को पूरा पोषण तो न्यूट्रिएंट्स से मिलेगा ना, हड्डियों का पूरा पोषण जो है वो आपको कैल्शियम से मिलेगा, तो वो कैल्शियम, वो फास्फोरस, वो पूरा का पूरा जो हड्डियों के पोषण के लिए जो आवश्यक तत्व हैं वो तो आपके पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम से जाएंगे। तो सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम और हड्डियों के पोषण के लिए और भी बहुत तरह के तत्व हमारे शरीर के अंतःस्राव जिम्मेदार हैं, तो उसके लिए आपको पूरा एंडोक्राइन सिस्टम का अच्छा होना जरूरी है। यदि आपके शरीर में कैल्शियम की कमी है तो आप अपने आटे को बदलिए, मात्र गेहूं का आटा मत खाइए। 1 किलो गेहूं के आटे में आप 100 ग्राम चना, 100 ग्राम सोयाबीन, 100 ग्राम चौलाई, 100 ग्राम बाजरा, 100 ग्राम उसके अंदर ज्वार, और आप उसमें 250 ग्राम के लगभग जौ, और 250 से 500 ग्राम सिंघाड़ा, और 250 से 500 ग्राम चौलाई मिला दीजिए। WHO ने अर्थराइटिस के प्रिवेंशन के लिए, हड्डियों के रोगों के प्रिवेंशन के लिए एक बात कही कि 1 से 1.5 ग्राम कैल्शियम व्यक्ति को मिलना चाहिए। यदि आप जो मैंने अभी आपको आटा बताया इस आटे का प्रयोग करेंगे तो आप अर्थराइटिस से बचेंगे। और 7 ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो योग यात्रा में लगभग हर दिन देखते हैं आप, वो भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव, ये 7 ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपके 7 तरह के सिस्टम को अच्छा कर देंगे, अर्थात भस्त्रिका और कपालभाति, अनुलोम विलोम से लेकर के प्रणव तक जो ये 7 प्राणायाम हैं, ये आपके पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम को अच्छा करेंगे, या आपके पूरे नर्वस सिस्टम को अच्छा करेंगे, पूरे एंडोक्राइन सिस्टम को, पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को, पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को, पूरे एक्सक्रेटरी सिस्टम को और रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अच्छा करेंगे। तो पूरा सिस्टम अच्छा होने से पूरी बॉडी का बैलेंस हो जाएगा। ABP News आपको रखे आगे।